आओ संग में एक कहानी बनाते हैं, चलो कहीं घूम के आते हैं। आज मैं भैरवगढ़, जो कि एक हिल फोर्ट है, वहाँ घूमने आया हूँ। तो बिना टाइम पास किए कहानी के एक एक पेज को देखते हैं, मतलब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सब भाई, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज पहुंच चुका हूँ भैरवगढ़ के बेस विलेज में। इसका नाम है मोरुशी और यहाँ से हम भैरवगढ़ के लिए ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे हेल्दी फूड खाएंगे, हम लोग पहले बनाना खाएंगे, फ्रूट खाएंगे थोड़ा सा, एंड देन यहाँ से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। हमने भैरवगढ़ के लिए ट्रैक स्टार्ट कर लिया है और लगभग 10% हम लोगों ने एसेंड कर लिया है और फुल स्पीड में हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सब थक चुके हैं, ये बंदा नहीं थका है, पीछे वाला थक चुका है। जिसको भी भैरवगढ़ आना है और ट्रैक करना है वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा डिटेल्स पढ़िए और भैरवगढ़ में आके करती है। डिस्क्रिप्शन चेक करना भूलना मत। भैरवगढ़ की चढ़ान चढ़ते चढ़ते यहाँ पे हमें बहुत सारे खरबंदे के पेड़ दिखे और हम अब खरबंदा खाएंगे। तो हम अभी ऐसे लोकेशन पे हैं जहाँ पे हमने अपना फर्स्ट ब्रेक लिया और यहाँ पे हम अपना फर्स्ट ब्रेक ले रहे हैं। थोड़ा पानी पियेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर से। यहाँ पे ब्रेक लिया, वहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और ऊपर जाना है। वहाँ पे वो दिख रहा है सामने, वहाँ पे ऊपर टॉप पे वहाँ पे जाने वाले हैं। बीच बीच में एक एक सिप पी रहा हूँ पानी का, सो दैट मैं डिहाइड्रेट नहीं हूँ। और 2 मिनट रुक के फिर से अपन अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। तो वहाँ पे आप देख सकते हो वो रहा भैरवगढ़। हमने आधा भैरवगढ़ कंप्लीट कर लिया है, आधा और बाकी है। और अभी हम एक रिज पे खड़े हैं और रिज काफ़ी ब्यूटीफुल है, यहाँ पे देख सकते हो। इसको फ्रंट करना रे, आगे से इसको घोल घुमाना। हाँ हाँ, बस एक नंबर, छोड़ दे अभी। BTS। तो अभी हम भैरवगढ़ ट्रैक करते करते एक रिज पर पहुंचे हैं। यहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और ड्रोन फ्लाई करेंगे और ब्यूटीफुल शॉट्स लेने वाले हैं हम यहाँ पे। और बहुत ही बेहतरीन यहाँ से व्यू है, फोन आ रहा है। Thank you.
बेहतरीन क्लाइमेट हो चुका है और क्या वंडरफुल एक्सपीरियंस है कि हम बादल के बीच में हैं और चारों बाजू बादल से सराउंडेड है, माउंटेन्स भी ढक चुके हैं क्लाउड्स से, देख सकते हो। भैरवगढ़ भी पूरा ढक गया है, सामने आप देख सकते हो भैरवगढ़ क्लाउड्स में कवर्ड हो चुका है। तो अभी हमें और कितना टाइम लगेगा टॉप पे पहुंचने के लिए? वहाँ पे 40 मिनट्स मोर। अभी यहाँ से हार्ड पार्ट स्टार्ट होता है कि और वो आगे से स्टार्ट होने वाला है? आगे से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। घने जंगलों में एंट्री कर ली है हमने और ये जंगल के बाद फिर असली चढ़ान स्टार्ट होने वाली है, असली क्लाइम स्टार्ट होने वाली है। भैरवगढ़ के एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में चढ़ान स्टार्ट होने वाली है और अपने सारे ट्रैक मेंबर्स अभी भी चढ़ रहे हैं नीचे। अच्छा, इधर ऊपर जाना है क्या? भैरवगढ़ के एंडिंग क्लाइंबिंग पैच पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हो भैरवगढ़ कितना वास्ट और जायंट दिख रहा है। अब यहाँ से भैरवगढ़ का सबसे स्टीप क्लाइम चालू होता है जो कि 80 डिग्री स्टीप क्लाइम है और इसको फुल एक्साइटमेंट के साथ अपन क्लाइम करने वाले हैं। भैरवगढ़ क्लाइम करने का टाइम आ चुका है, स्टीप 80 डिग्री चढ़ान है। वाटर टैंक पानी पीने लायक है। तो गाइस फाइनली हमारा भैरवगढ़ का समिट कंप्लीट हो चुका है। थोड़े से सुना आपने तो 360 शॉट्स।
क्या चीज आलू बुखारा भैरवगढ़ का सबमिट कंप्लीट हो चुका है और अब हम डिसेंड कर रहे हैं और डिसेंड करने में बहुत डर लगने वाला है, फटने वाली है पूरी, क्योंकि एसेंड इसका फिर भी आसान था पर डिसेंड करने में जान पहने वाली है, तो लेट्स डू इट। थोड़ी देर पहले हम वहाँ पे ऊपर थे, मैं नीचे उतर गया, मेरे ट्रैक में नीचे उतर रहा है। जो डिफ़िकल्ट पैच था उसको डिसेंड कर लिया है, अब यहाँ से अराउंड 4 किलोमीटर्स नीचे उतरना है एंड देन वहाँ से 2 किलोमीटर्स जंगल में एंड देन वहाँ से बेस विलेज डायरेक्ट और फिर घर। मिट्टी वाला भाई, मिट्टी वाला संभालना पड़ेगा। इतना डिसेंड कर लिया वहाँ से, इतना पूरा नीचे उतर के यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी वहाँ पे नीचे जंगल को क्रॉस करके उसके पीछे जो बेस विलेज दिख रहा है वहाँ पर पहुँचना, पहुँच जाए कुछ ही देर में। घने जंगलों के बीच में चलने का अलग ही मज़ा है और मेरे सारे ट्रैक मेंबर्स पीछे हैं, मैं अकेला आगे लीड कर रहा हूँ और ये जंगल का पैच ख़त्म करके सीधा बेस विलेज में मैं उनका वेट करूँगा। तो अभी हमने जंगल वाला पैच कंप्लीट कर दिया है और यहाँ से थोड़ा प्लेन है, यहाँ पे यहाँ से थोड़ा रास्ता आसान है और बेस विलेज ज़्यादा दूर नहीं है अभी यहाँ से, तो अपन जल्दी ही पहुँच ही जाएंगे और जल्दी अपना ट्रैक कंप्लीट कर देंगे। एक्टिविटीज से ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, रास्ता रिश्ता सब छोड़ दे रहे, इधर उधर भाग रहे डाउन हिल, तो GoPro भी डाउन हो गया। हाँ अभी सही है, फिर बार बार घूमते जा रहे